तो, भुनक्तो, सह नौभुन सह वी कर्वा वह तेजस्वीनावधीतमस्त मिद्षा वह ओ शा शांति शाँति वेदोक्त वाणी व्यवहार के इस स्वाध्याय में आप सभी दर्शकों का श्रोताओं का हृदय के गहराइयों से हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है हम जो वेदवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं यह वेदवाणी हमारे जीवन के कल्याण के लिए अत्यंत ही महनीय वाणी है हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं और अपने वाणी व्यवहार को अपनी संपूर्ण गतिविधियों में दिव्यता का आधान करें इस प्रकार से जब प्रभु की यह वाणी कल्याणी वेदवाणी हमको एक दृष्टि देती है एक हमारे जान का परिपाक करती है तो हम अपने संपूर्ण व्यवहारों में संपूर्ण क्रियाकलापों में सदा ही समरसता और सदा ही परस्परता का सदा ही इस शरीर और संसार के उत्कर्ष का उत्थान चाहते हुए पतन को अवग को और संसार में जिसको अत्यंत ही निंदनीय या निरर्थक कार्य है या कर्म है या जीवन है उसको छोड़ करके हम उत्तमोत्तम ढंग से उत्तरोत्तर अभिवृद्धि को प्राप्त होते हैं प्रभु भक्त बनो न कि प्रभु विमुख बनो। मैं ऐसा अपने जीवन को प्रभु की भक्ति में लगाऊं कि प्रभु का भक्त बन जाऊं, प्रभु से शक्ति का संपन्नता का यश और आरोग्यता का मैं वरदान पाऊँ कुछ जो प्रभु के भक्त हैं जो अपने जीवन को बहुत ही सरलता से जीते हैं सात्विक ढंग से जीते हैं और आनंदमय जीवन जीते हैं परंतु जो प्रभु से विमुख आचरण करने वाले होते हैं जो प्रभु के प्रति उस परम पिता परम शक्ति परम माता परम पिता के प्रति का भाव नहीं रखते उसको अपना आराध्य नहीं समझते उसको अपना साध्य नहीं समझते तो वे दुखी होते हैं वे कष्ट को प्राप्त होते हैं परंतु जो उसको अपना गंतव्य उसको अपना साध्य उसको अपना सखा बंधु सब कुछ मान लेते हैं और उस के ही प्रयाचरण में अपने जीवन को लगाते हैं तो वे महान बन जाते हैं बहुत ही सुंदर बात कही है आ, मैं वेदवाणी के इस मंत्र को लिखता हूँ ऋग्वेद के प्रथम मंडल के एक सौ सूक्त का दूसरा मंत्र ओम बोधा में अस वचसो बोधा में अस्य अस्य अ वचसो यविष्ठ यविष्ठमिष महिष्ठस्य

तानु तो गृणाती गृणाति वंदारुस्ते तन्वम बंद तन्वम बंद अग्नि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के एक सौ सैतालीसवें सूक्त का दूसरा मंत्र है ओम बोधा मे अस्य वचसो यविष्ठ महेष्ठस्य प्राभृतस्य स्वधावः पीयति त्वो अनु त्वो गृणाति वन्दारुस्ते तन्वं वन्दे अग्ने ओम बोधा मे अस्य वचसो यविष्ठा महिष्ठ से प्रभृत स्वधाव पीयती तो अनु तो गृणाति वंदारुस्ते तन्व वंदे अग्ने बहुत ही सुंदर मंत्र में भाव दिया हुआ है इसके पहले मंत्र में ये प्रार्थना की थी कि प्रभु शत्रु शोषण के द्वारा उपासक में शुचिता का स्थापन करते हैं शुचिता पवित्रता से युक्त करते हैं उपासकों को, को चाहिए कि वे भी अपनी संतानों में इसी प्रकार पवित्रता का स्थापन करें जो पवित्रता का शुचिता का अनुशासन का मर्यादा का संयम का ध्यान रखते हैं वे व्यक्ति निसंदेह इन सांसारिक जो उपद्रव हैं सांसारिक जो उतार चढ़ाव हैं सांसारिक जो दुख हैं क्लेश हैं द्वंद्व हैं उनमें समभाव को प्राप्त हो जाता है और विवेक वैराग्य से युक्त हो करके के वह अपना भी अपनी संतानों का और समाज का संसार का कल्याण करता है परंतु जो असंयमित है वाणी के स्तर पर जो भी मन में आया बोल दिया जहाँ मन में आया बोल दिया कौन सा काल कौन सा समय स्थान में क्या व्यवहार करना इसका भी जिसको ध्यान नहीं है तो वह अपना जीवन भी कष्टमय दुखमय क्लेशमय ग्लानीमय बनाता है और साथ ही साथ दूसरों को भी कष्ट देने में कोई कमी छोड़ता नहीं कोई कसर छोड़ता नहीं है इसलिए हम अपने व्यवहार में वाणी के स्तर पर हो मन के स्तर पर हो स्थूल व्यवहारों में भी कभी भूल ना करें क्योंकि वह भूल हमारी संतानों को हमारे घर परिवार को भी प्रभावित करती है अत्यंत प्रभावित करती है और जो हम व्यवहार करते हैं संतानों के सामने हम वाणी से कठोर बोलते हैं असत्य बोलते हैं या हम बहुत जो है अपमानजनक शब्दों का या अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारी वाणी से एक शब्द अभद्र निकलता है तो हमारी संतानें उसको दस गुना बढ़ा करके सौ गुना बढ़ा करके वैसा ही व्यवहार वैसा ही संस्कार वो अपना बना लेती हैं इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि अपना पवित्र जीवन हो शुचिता से युक्त हो और इससे भी संतानों का भी निर्माण अच्छा होगा और उसी फिर बात को यहाँ पर कहा है यविष्ठमा यविष्ठ युवतम बुराइयों को हमसे अधिक से अधिक दूर करने वाले और अच्छाइयों के साथ हमारे संपर्क में रहने वाले प्रभो में अस्से महिष्ठ से मेरे इस महिष्ठस्य पूजा की प्रबल भावना से युक्त प्रवृत से प्रकर्षण संपादित वचसा प्रार्थना वचन को बोध अर्थात जानिए सुनिए हमारा जो प्रार्थना का भाव है जो हमारे लिए अत्यंत महनीय भाव है उस भाव को हम प्रभु के सामने उसको प्रकट करें और प्रभु भी हमारी उस भावना को सदा ही जो है अनुभव करें क्योंकि प्रभु तो अनुभव करता ही है परंतु हमको ये नहीं पता होता कि वास्तव में यह प्रभु तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है क्योंकि हमने उसको जाना नहीं उसको समझा नहीं और हमने मनमाने कार्य किए हैं हमने अलग अलग प्रकार से बुराइयों को धारण किया है तो ये बुराइयाँ हमको पतन की ओर ले जाती हैं हमारा जीवन तो परमात्मा ने उत्थान के लिए बनाया है हमारा जीवन उत्कर्ष के लिए बनाया है इसलिए अपनी वृत्ति को अपनी प्रवृत्ति को अपनी वाणी को अपने व्यवहार को हम अच्छा रखें और यहाँ प्रार्थना की है कि बोधा में अस्य बचसो यविष्ठा मेरी जो वाणी है मेरे जो वचन हैं उनको आप जो है जो पूजा के भाव से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आप उसको सुनने वाले हूं, आप उसको जानिए उसको सुनिए और मुझको सही दिशा में ठीक ठीक दिशा में चलने का सामर्थ्य दीजिए जिससे मैं कभी भी बुराई की ओर ना जाऊँ कभी भी मैं पतन की ओर ना जाऊँ और सदा ही उत्थान की ओर आगे बढ़ता चला जाऊँ अपनी मर्यादा को कुलवंश परंपरा को और माता पिता गुरु के आचार्य के द्वारा दिए गए जान को कभी मैं विपरीत दिशा में ना ले जाऊं अर्थात सदा ही उनको उन्नति के साथ सदा ही आ, संसार के व्यवहार में बहुत ही यशस्वी व्यवहार मेरा हो कभी मैं किसी को ना धोखा दूं और ना धोखा खाऊं अपने अपने कर्तव्यों का अपने अपने जीवन की जो है सामर्थ्य है उसको मैं पूर्ण कर पाऊं इसका ध्यान रखूं और प्रार्थना जो वचन है बोध जानिए स्वधावा आत्मधारण शक्ति संपन्न प्रभो संसार में तव कोई एक तो कुछ पुरुष तो पीयति आपकी हिंसा करते हैं कभी आपका स्मरण नहीं करते संसार में विषयों की जो है आ, ममता उन्हें आपके ध्यान से विमुख किए रहती हैं तह कोई एक अनुग्रनाती आपके स्तुति वचनों का उच्चारण करता है कोई विरला व्यक्ति ही आप तक पहुंचने का सामर्थ्य रखता है आप का दर्शन आपका अनुभव आपकी शक्ति का आपके द्वारा दिए गए ज्ञान का उसके जीवन में आधान होता है और वह संसार के विषयों की ममता उन्हें आपके ध्यान से नहीं कर पाती है जो आपको मानते हैं जो नहीं मानते वो कभी आप तक पहुंच नहीं पाते संसार में ही चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं कभी भी यश कीर्ति को और जो है कभी सफलता को प्राप्त नहीं होते हैं मैं तो हे अग्नि वंदारूहू तनवम वंदे परमात्मन वंदारुह आपकी वंदना करने वाला बनकर आपके तनुव शक्ति विस्तार के प्रति जो है तनु विस्तारे अर्थात वंदे नतमस्तक होता हूँ मुझे सर्वत्र आपकी शक्ति ही दिखाई पड़ती है आपकी शक्ति का ही कार्य आपकी शक्ति इस सारे संसार में कार्य कर रही है यह जो है दृष्टिगोचर यदि हम करते हैं सारे संसार को तो आपसे बढ़कर के महान कौन होगा आपके ही द्वारा ये सारा संसार चल रहा है और प्रभु का जो है गुणगान करते हुए ऐसे उसका ध्यान करते हुए इस बात को समझना चाहिए कि मेरी जो प्रार्थना है मेरी जो स्तुति है वो प्रभु तक पहुँचे उसके लिए पवित्र अंतःकरण चाहिए उसके लिए पवित्रता से शुचिता से समरसता से युक्त जीवन चाहिए और इस प्रकार से हम इस संसार के दुखों से कष्टों से और पराधीनताओं से बच पाएंगे इसी प्रकार से आगे कहा है कि हमारा सार्थक जीवन हो सार्थकता के साथ जीवन जीने वाले बने और इस शरीर को इस संसार के कल्याण में मन वाणी और शरीर का कभी भी हम अतिक्रमण ना करें अर्थात कभी भी इनको वेद के प्रतिकूल आचरण करने वाला ना बनाएं। वेद के प्रतिकूल किया हुआ आचरण वो व्यक्ति को धराशायी कर देता है व्यक्ति को कभी जो है उसको सफलता नहीं मिलती वो अपने पैरों पर ऐसा तो बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनना लेकिन वो कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाता वो सदा ही ऐसे ही भाव से जीता है जैसे कोई कृपण कंजूस व्यक्ति हो हम मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक जीवन को आगे बढ़ाएँ तो एक सौ इक्यावन में सूक्त में बहुत सुंदर बात कही है छठे मंत्र में ओम आवामृताय के मित्र गातुम अर्चथा अवत्मना सृजतम पिन धियो यो विप्रास विप्रस्य मन ऋत की प्राप्ति के लिए केशनी जान रश्मियों वाली प्रजाएं वाम हे प्राणापानव आपका अनुशत स्तवन करती हैं प्राण साधना से जीवन रितमय बनता है हे मित्र प्राण तरुण अपान जो है वरुण जो है मित्र प्राण और वरुण अपान आप यत्र जहाँ होते हो वहां गातुम अर्चथा अर्थात मार्ग को पूजित करते हो आपके रहने से जो है प्राण साधना करने वाला पुरुष अनृत को छोड़ने के कारण सदा सनमार्ग पर ही चलता है धी बुद्धियों को हमारे जो है बुद्धियों को व्यान पूर्वक होने वाले कर्मों को पिनवतम हमें पूरित करते हैं वर्धतम हे प्राणापानो आप दोनों अपना विशेष रूप से पूर्ण करने वाले पुरुष के मनाम मनन पूर्वक की गई स्तुतियों के स्वामी होते हो अर्थात प्राण साधक पुरुष मनन पूर्वक स्तुति करने वाला बनता है प्रभु का जब सुमिरन करता है तो उपाहोतम जो प्राण साधक सुमार्ग पर चलता है वृद्धि को जो हमारा उत्कर्ष उसको बढ़ाता है बुद्धि को बढ़ाता है मनन पूर्वक स्तवन करता है प्रभु का स्तवन मनन चिंतन निर्दासन करता हुआ वह भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है भक्ति के मार्ग पर उसको अत्यंत सफलता मिलती है और वह गुरु की कृपा में गुरु की शरणागति में रहता है भगवान की शरणागति में रहता है इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि ओंकार प्रभु तेरा नाम गुड़ गाए सारा संसार तमाम प्राण रूप प्राणों से प्यारा दूर दुखों को कर निहारा सुख स्वरूप सुखी सुखों का दाता दान ना कोई तुम्हारा पाता सारे जग को पैदा करता सबसे उत्तम पाप को हरता हे ईश्वर हम तुम्हें ध्यावे पाप कर्म से जो है दूर हो जावे पाप कर्म के पास न आवे बुद्धि करो हमारी उज्जवल जीवन होवे सबका सब का निर्मल जीवन होवे सबका निर्मल जीवन होवे सबका निर्मल तो ये निर्मलता आएगी तो जीवन में हमारे बहुत दिव्यता आ जाएगी और हम आगे चर्चा करेंगे अभी पर विराम देते हैं ओम शांति शांति शांति